अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको और हमें हमेशा खुश रखे और हम सब पर अपने रहमत का साया रखे। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। और आज की रेसिपी है, आज कोई रेसिपी नहीं है, ईद का दूसरा दिन है तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंजॉय और मस्ती करेंगे। आजकल लॉकडाउन है और पाकिस्तान में और इवन यहाँ भी जब दोस्तों से बात होती है वो सब यही बस पूछते हैं कि आप लोग की लॉकडाउन में क्या रूटीन है। तो मैंने सोचा कि आज जो पहले का पड़ा हुआ खाना वही घर का खत्म करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। और आज आप लोगों को सिर्फ ये बताएंगे कि लॉकडाउन में हम लोग क्या करते हैं। तो क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो ये वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि दो पार्ट्स में बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि हम लोग लॉकडाउन में हमारी क्या रूटीन थी। ये वीडियो मैंने बहुत इंजॉय करी और बड़ी मेहनत से बनाई है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा एंड तक जरूर देखें, आप लोग भी इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये जी हमारे माणों का घर है, पहले एक घर था वो जो कवर्ड है और ये एक ओपन घर है। तो जब ये कभी बारिश होती है तो कवर्ड घर में चली जाती है, जब ओपन होता है तो फिर खुले घर में आते। तो हमारी नॉर्मल सुबह की रूटीन के बाद सबसे पहला काम यही होता है, जैसे ही रूम से बाहर निकलो तो मानो साहब बाहर रख बैठी होती है खाने के इंतजार में, म्यों म्यों करना शुरू कर देती हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि मानो साहिबा को देते हैं खाना। तो खाना देते हैं, फिर उसको होता है कि भाई मुझे तो पहले इतना अच्छी नहीं थी लगती बिल्लियाँ, लेकिन ये घर की बिल्ली है, छोटी सी बच्ची सी पली है, तो मुझे भी अभी थोड़ी अच्छी लगनी शुरू हो गई है। तो इसके होता है बस कि मुझे खाना रख दो मेरे आगे, थोड़ा मेरे साथ प्यार करो, थोड़ा मेरे हाथ वाथ मारो, तो जब मैं खुश हो जाऊंगी तो फिर मैं खाना शुरू कर दूंगी। तो मानो साहब को प्यार किया है तो अभी खाना वाना शुरू कर दिया इसने, अभी मजे लेके खाने खा रही है। और इसकी एक आदत है खाना खाने के बाद थोड़ी सी ये जो है ना लॉन में जो उगी है घास वो एक दो पत्ता जरूर खाती है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि इनका डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, खाना हजम करने के लिए अच्छा होता है। तो ये थोड़ा सा बड़ी वो हकीम टाइप बिल्ली है तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा घास जरूर जी चखती है। तो मानो से फारग होने के बाद हमारा दूसरा काम होता है हमारी बकरियों को भेड़ों को खाना देना। तो ये जनाब पहले अलहदा अलहदा रखी थी तो एक दरवाजा उसने तोड़ दिया, तो अभी दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो अभी देते हैं खाना इनको। तो ये खाना जी इनको इनको देना जो वो इतनी नखरेलो पाकिस्तानी बकरियां सारा कुछ खा जाती हैं, ये इतने नखरे करते हैं, इनके लिए घास मंगा के रखी है, बेशक वो सूख जाए लेकिन खानी वही घास है, ना कोई फ्रूट के छिलके खाने हैं ना कुछ इन्होंने खाना है। हाँ रोटी खा लेते हैं, स्लाइस खा लेते हैं, और ये घास है जो इनका, ये इनकी फेवरेट है। तो बस इनकी छीना झपटी शुरू हो जानी है, अभी जैसे ही घास डालनी है तो अभी शुरू हो जाएंगे खाना, एक दूसरे को मारते हैं फिर टकरे, वो उसकी तरफ जाता है उसे टक्कर मारती है, दूसरी तरफ हो जाते हैं, दूसरा उसकी तरफ जाता है तो उसे टक्कर मार के अपनी तरफ कर लेते हैं खाना। तो अभी ये खाना खाने लगे, इसके बाद फिर इनको हम लोग देंगे पानी, पानी भर के ले आया हूँ मैं, तो ये पानी ला के तो अभी इनके अंदर रखेंगे। तो एक एक करके जैसे इनको प्यास लगती है, खाना भी जैसे ही खाना रखूंगा तो जो मेल है वो तो पानी पीने आ जाएगा, तो जो फीमेल है वो थोड़ी लालची है, वो खाना खा के बाद में आराम से पानी पीने के लिए आएगी। तो ये देखें जैसे ही पानी मैंने रखा वो मेल पीने के लिए आ गया और वो मस्त होकर चुप करके खा रही है। अभी जाएगा वापस और उसे धकेल के उस तरफ और अपना हिस्सा लेगा। तो चलें जी नाश्ते का टाइम हो गया, अब तो चलते हैं नाश्ते की तरफ। तो नाश्ता मैं थोड़ा ठीक ठाक ही लेता हूँ, दोपहर का खाना थोड़ा कम लेना चाहिए और रात का खाना बिल्कुल कम लेना चाहिए, और हो सके तो हाल ही दूध वगैरह ले लें। ब्रेकफास्ट टाइम मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट ये जो मील है ब्रेकफास्ट, इसमें हम बहुत सारी छोटी छोटी वैरायटी ले सकते हैं। तो आज के ब्रेकफास्ट में मैं तो लूँगा ऑमलेट बनाऊँगा, फिर मैं थोड़े से ओट लूँगा, ओट भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, जिसे दलिया कहते हैं, तो आप भी लिया करें, नाश्ते में बहुत अच्छे होते हैं। इसमें आप चाहे तो सिंपल दूध के साथ ले सकते हैं, बना सकते हैं पानी के साथ, कैसे भी बना सकते हैं, मीठा नमकीन। तो मैं तो वैसे दूध के साथ बनाऊँगा, उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लूँगा, तो उससे एक तो हेल्दी भी और दूसरा टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, और दूध में बनाऊंगा मैं। आप चाहे तो बेरीज के साथ जैसे स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरी इस तरह की कोई चीज़ें डालेंगे तो ज़्यादा हेल्दी होती है ऑप्शन, उसमें आप बनाना ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं ड्राई फ्रूट्स में बनाऊँगा आज।
आज असल में ईद का दूसरा दिन है, सब लोग आराम से सो रहे हैं, रात को पूरी रात जागते रहे हैं। और मेरे पास आज कोई कैमरामैन नहीं, कोई हेल्पर नहीं, तो खुद ही मैं कर रहा हूँ, इसलिए आपको छोटे छोटे क्लिप्स में दिखा रहा हूँ। देखिए जी माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त, बहुत गोल सी सीधी सादी सी रोटी रेडी होगी। तो अभी चलते हैं कुकर की तरफ, दूध गर्म करने के लिए रखते हैं, ऑमलेट रखते हैं और रोटी बनाते हैं अपनी। यह है जी माशाल्लाह हमारे पूरे के पूरे घर का फेवरेट हिस्सा, हमारा चाय कॉफी स्टेशन। हमजा साहब आते हैं तो उनको बना के देते हैं, हॉर्लिक्स उसको ज्यादा पसंद है, और मैडम जी तो ज्यादा कॉफी पीती हैं। मैं तो चाय तो हर कम ही पीता हूँ, लेकिन मैं भी कॉफी ले लेता हूँ, तो नहीं तो नॉर्मली वैसे मैं दूध ही ले लेता हूँ। यह हमारी कॉफी मशीन है, छोटी सी, इजी टू यूज, बहुत अच्छी माशाल्लाह। और ये है जी केटल, इलेक्ट्रिक केटल, चाय के लिए पानी गर्म करने के लिए। ये कॉफी है, कॉफी का मिल्क हो गया, और ये हमजा साहब का हॉर्लिक्स हो गया, और ये चाय के लिए, क्योंकि चाय कोई ज्यादा पीता नहीं, अपनी अपनी पसंद की पीते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के चाय के साशे हम लोग लेके रख लेते हैं। ये हमारे बिल्कुल मिनी से छोटे छोटे मुने मुने से दूध है, दूध के पैकेट, लेकिन मैं तो फ्रेश मिल्क जो ताज़ा दूध है वही इस्तेमाल करता हूँ, मैडम और हमजा ये छोटे साशे। और चीनी ये पड़ी है, चीनी हमारे पास वाइट भी और ब्राउन भी, लेकिन आप भी कोशिश करें चीनी अवॉइड किया करें, इतनी अच्छी नहीं होती चीनी खाने में। तो मैंने तो अपने लिए गुड़ रखा है, पाकिस्तान से आया, मैं तो गुड़ ही यूज़ करता हूँ। और ये पड़े हैं जी दो मग हमारे कॉफ़ी के, लेकिन आज एक ही कॉफ़ी बनेगी मैडम, बाकी तेनू पता ही है। चले तो झटपट से अपनी कॉफी बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी है। जाएंगे सिंपली ये जग अपना रिमूव कर लेंगे हम लोग, और ये ऊपर ढक्कन है इसको खोल देंगे, इसमें एक गिलास पानी डाल लेंगे हम लोग, ढक्कन को करेंगे बंद। और ये हमारा कॉफी ले लिए मैंने, कॉफी फिल्टर रिमूव कर लेंगे आराम से निकलते हैं। मैं तो एक चम्मच डालूंगा इसमें कॉफी, एक चम्मच से थोड़ी सी ज्यादा, ये कॉफी चली गई मेरी। फिल्टर को वापस किया बंद, जार को उसकी जगह पे रखा और ये बटन प्रेस कर दिया। तो बस ये भी एक मिनट के बाद हमारी माशाल्लाह कॉफी ड्रिप होके नीचे आना शुरू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं हमारी कॉफी ड्रिप होके नीचे फिल्टर होके तो नीचे जार में आनी शुरू हो जाएगी, और हो गई है। तो जैसे ये खत्म होते हैं इसे डालेंगे हम लोग मग में, मिक्स करेंगे गुड़ इसमें और शुरू करेंगे अपना नाश्ता। कॉफी अभी हमारी रेडी, इसमें एक छोटा सा पीस गुड़ का डाल लूंगा, कॉफी अपनी निकाल लेंगे। अपना फिल्टर निकाल लेंगे और इसे धोने के लिए रख देंगे। देखें बिल्कुल हमारी कॉफी जो है ना कम्प्लीटली उसमें ब्रू हो गई है, तो अभी फिल्टर धोने के लिए रखेंगे, नाश्ता शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया खत्म। तो मैं इस टाइम पे बच्चे भी वीडियो देख रहे होंगे कुछ बीच में, तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से कि खाना वेस्ट ना किया करें, बड़ों से भी यही रिक्वेस्ट है कि खाना वेस्ट ना किया करें, उतना खाना लिया करें प्लेट में जितना आप खा लें, अगर चाहिए तो दोबारा थोड़ा ले लें, लेकिन कोशिश करें कि वेस्ट ना हो और आपके बर्तन अच्छे से हाली हो साफ हों खाने के बाद। चैलेंज अभी टाइम है हमारी सब्जियां काटने का, तो सब्जी काटते हैं पहले।
और ये चिलीज हमने ड्राई होने के लिए धूप में डाल दी हैं। तो पहला बैच हमारा हो गया ड्राई, माशाल्लाह ज़बरदस्त। माने हम लोगों ने आधा तो उसको पाउडर बना लिया और आधा हमने क्रश करके तो रख लिया इसे, तो हम लोग इस्तेमाल करें। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है हमारी, बहुत तीखी और अच्छी मिर्च है माशाल्लाह जी। हमारी फ्रेश प्यारी ज़बरदस्त सी सब्जी आ गई किचन में। चलिए जी, अब शुरू होने जा रहा है बहुत ही मज़े का और बहुत ही मेरे लिए बहुत ही एंटरटेनिंग काम, वाटरिंग अपने घास को, पौधों को पानी देने का। तो चल दें, देते हैं अपने पानी पौधों को और घास को। चलें जी, टाइम हो गया गार्डन में पानी देने का, तो आइए चलते हैं गार्डन में देते हैं पानी।